हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास फोर ईवीएस का चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास ओसवाल का एन वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नाइनटीन है अब्दुल इन द गार्डन ठीक है पहले हम इसे रिवाइज करेंगे ठीक है लेट्स रिवाइज अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अबू इन द गार्डन अब्दुल क्या कर रहा था हेल्प कर रहा था अपने अबू का गार्डन में ठीक है अबू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीप्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स ठीक है अबू क्या कर रहे थे साफ कर रहे थे जो uh, सूखे सूखे जो लीव्स होते हैं उन्हें ग्रास से अलग कर रहे थे और जो अनचाहे प्लांट्स निकल आते हैं उसे अलग कर रहे थे ठीक है अब्दुल स्टार्टेड टू तो पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बीट्स ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास हिज हैंड्स बिकम बिकेम रेड बाय द एफोर्ट तो अब्दुल जो है ना ग्रास को निकालना स्टार्ट करने लगा ठीक है वो भी काम करने लगा और उसने देखा कि ये जो स्मॉल ग्रास को बाहर निकालना वो इजी नहीं होता है और उसके हाथ काफ़ी लाल हो गए ठीक है इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट द डेलिकेट स्टीम ऑफ द पी प्लांट ब्रॉक ठीक है तो पी प्लांट क्या होता है जो जो बहुत ही कमजोर स्टीम होते हैं ठीक है तो वो जो है ना टूट जाता है जैसे ही वो निकालने लगता है तो ठीक है उसके बाद है ही साओ दैट द रूट ऑफ द ग्रास प्लांट वे आर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रीड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लान एबब द ग्राउंड सडनली इट्स स्टार्टेड रनिंग विथ स्टॉन्ग डिस्पाइट द स्टॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फायर फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑन पुटिंग वाटर In the soil where the plants are growing the dropping leaves become fresh again plants also need water for near, their body processes and to grow well plants absorb water from the soil through its roots the hanging branches of the banyan tree are actually the roots of the tree जो हैंगिंग ब्रांच जो होते हैं ना आपने बनियान ट्री देखा होगा जिसमें कि बहुत सारे ब्रांच जो निकले हुए होते हैं लटके हुए ठीक है तो वो क्या होता है उस ट्री का रूट होता है बनियान ट्री का ठीक है दिस ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज अंटिल दे रीज द ग्राउंड दिस रूट्स आर लाइक पीलर दैट प्रोवाइड स्ट्रोंग सपोर्ट टू द ट्री तो ये जो होता है ना रूट्स वो पिलर की तरह होता है जो कि ट्री को सपोर्ट करता है द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज हैव तो अंडरग्राउंड भी उसके रूट्स होते हैं जिस तरह से दूसरे ट्री के होते हैं डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट ओक एक ट्री है ठीक है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल इट हैज़ वेरी फ्यू लीप्स तो आ, ये जो है ना इतना होता है इतना टॉल होता है जितना आपका क्लासरूम का वॉल है और इट हैज़ वेरी फ्यू लीप्स और इसमें बहुत ही कम पत्ते होते हैं ठीक है प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर हाइट स्टीम एंड ब्रांचेस ऑन दीज पैरामीटर्स प्लांट्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्रीज तीन तरह के होते हैं प्लांट्स कौन कौन से हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्री ठीक है तो हर्ब्स किसे कहेंगे हर्ब्स और इस्माल प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट स्टीम हर्ब्स जो होते हैं ना वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसके स्टीम सॉफ्ट होते हैं एग्जाम्पल में जैसे आप ले सकते हैं कि वीट पैडी कैबेज ग्रास कोरियनडर एक्सेट्रा ये सब ठीक है उसके बाद आता है सर्ब्स तो दीज आर बूसी एंड मीडियम साइज प्लांट्स एंड दे आर सम वॉट बिगर देन हर्ब्स तो ये जो होता है ना ये बूसी प्लांट होते हैं मतलब ये जो झाड़ी के तरह होते हैं दिखते हैं ठीक है और ये जो है ना हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं दे आर ब्रांचेज स्टार्ट फ्रॉम जस्ट एबअ द ग्राउंड इसके ब्रांच स्टार्ट हो जाते हैं ग्राउंड से ही एग्जाम्पल जैसे कि लेमन कॉरियडर हीना रोज एक्सेट्रा अवर ट्रीज ठीक है तो दीज आर दीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट्स विथ हार्ड एंड उडी स्टीम ये टॉल एंड लार्ज प्लांट होता है जिसके स्टीम उडी होते हैं ये सिंगल मैन मैन स्टीम आ राइज फ्राम द ग्राउंड मैन स्टीम कहाँ होता है एक जो होता है ग्राउंड में ठीक है ग्राउंड से निकलता है द मैन स्टीम इज कॉल्ड ट्रंक जो मैन स्टीम स्टीम होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं द ट्रंक गिप्स आउट मैनी ब्रांचेज एट सर्टेन हाइट द ब्रांचेस कैरी लीप्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल में होगा आपका मैंगो बनियान ठीक है एकेसिया कोकोनट एक्सेट्रा उसके बाद आता है क्रीपर्स ठीक है तो प्लांट्स विथ वीक स्टीम दैट कैन नॉट स्टैंड अप राइट एंड स्प्रीड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर अब देखिए ऐसे प्लांट्स जो कि काफ़ी वीक होते हैं और वो अपने आप अप खड़े नहीं हो सकते ठीक है उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो जैसे हुआ आपका पम्पकिन वाटर मेलन स्वीट पोटेटो ठीक है उसके बाद है क्लिम्बर प्लांट्स विथ वीक स्टीम दैट नीड्स सपोर्ट इज कॉल्ड क्लिम्बर ठीक है ठीक है ये प्लांट भी होते हैं जो क्लिंबर होते हैं ये भी काफ़ी वीक होते हैं और इन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है एग्जाम्पल में ग्रैप वाइन मनी प्लांट ककम्बर बीन एक्सेट्रा रूट है अब द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड रूट जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं इट इज़ यूजली पेल इन कलर द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूट्स ठीक है टू टाइप्स के रूट्स होते हैं तो टैप रूट दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ मैन रूट विच ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम मैनी ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस कम आउट ऑफ द मैन रूट एग्जाम्पल पी रेडिस कैरोट मैंगो ठीक है मैरी गोल्ड उसके बाद मस्टर्ड एक्सेट्रा ये सब होता है ठीक है टैप रूट उसके बाद है फाइब्रस रूट इन दिस टाइप क्लस्टर ऑफ Thin fiber-like roots arise from the base of the stem. These roots spread out in the soil. So, like maize, grass, wheat, millet, etc. Functions of roots. Okay, roots hold the plant firmly in the soil and uh, thus provide anchorage and chorage and to the plant. Okay, roots absorb water and minerals from the soil they also store food in some plants example radish carrot beetroot sweet potato okay? germination is the process of process by which an organism grows from a seed or similar structure necessary conditions for germination are right temperature oxygen and moisture okay? उसके बाद है लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट्स द रूट्स ऑफ अ प्लांट इज द पार्ट दैट इज यूजअली बरीड इन द सॉयल रूट्स आर नॉट ऑलवेज अंडर द सॉयल थ्रो समाइम्स रूट्स कैन बी एब द ग्राउंड दिस इज कॉल्ड एन एरियल रूट ठीक है उसके बाद है स्टेम्स स्टेम्स कैन समटाइम्स बी अंडर द सॉयल रूट डू नॉट हैव लीव्स एंड आर डिफरेंट

परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस इन दिस वे ठीक है जो रूट्स क्या होते हैं बहुत ही जरूरी है जो कि सॉइल से वाटर को ऊपर प्लांट में पहुंचाते हैं जिससे कि लिप्स परफॉर्म करता है फोटो के काम को करता है वो ठीक है लिप्स तो उसके बाद है ग्लॉसरी ठीक है हर्ब्स हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट स्टीम ठीक है सर्ब्स

तो इसमें भी बस वही प्लांट के बारे में ही दिया हुआ है इसके बाद है वर्कशीट सिक्सटी थ्री ठीक है द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड ग्राउंड फेल वेरी इजीली इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास वाई द ग्रास हैज रूट्स विच ग्रिप इट टू द सॉइल देयर इज नो रूट इन द स्टिक सो इट इज इजी टू प्लग द स्टिक But not grass. Do all plants have roots? Yes. After three days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? The leaves dried up due to the broken part. Water sucked by root called not reach there. Why do you think the neem tree? did not fall despite the strong wind. There are roots which hold the tree in soil. Okay? on putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? The roots of the plants suck the water from the soil which reaches the leaves. What do you feel? Do all plants need water? Yes. विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग द प्लाट्स दैट ड्राई अप वॉट विल हैपन इफ नो बडी गिव्स वाटर टू दीज प्लांट्स अगर कोई भी पानी नहीं डालेगा प्लांट में तो क्या होगा तो दीज प्लांट्स विल डाई इफ नो बडी गिव वॉटर टू तो दैम तो जो प्लांट है ना वो मर जाएगा ठीक है अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वॉटर द हग Neem tree, where did it get its water from? He thought. Which of the plants around you do not need watering? Where do they get water from? Make two guesses. Though neem, mango, people, etc., do not need watering. They have roots deep in the soil which suck water. Abdul wondered whether radish was a root. Why did he think so? यस रेडिस हैज़ अ रूट इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रूट विच ऑल्सो सर्व एज द स्ट्रांग ऑफ फूड ठीक है इसके बाद है लुक एट द पिक्चर्स विलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट ठीक है नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा वेजिटेबल है जिसमें कि रूट्स होते हैं ठीक है तो जैसे कि कैरोट रेडिस बीट रूट रूट कैबेज ठीक है इसके बाद है वर्कशीट सिक्सटी uh, फोर ठीक है तो देखिए क्या है कि वॉट डिफ्रेंसेस डिड यू ऑब्जर्व इन दीड्स आफ्टर सोकिंग कंपेयर विथ सीड्स एंड ड्राइट ठीक है द सोक्ड सीड्स स्प्राउट वाइल द ड्राई सीड्स डू नॉट स्प्राउट वॉट डू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन ओल हैड बीन लेफ्ट टू ड्राई The seeds will not sprout. In which direction did the roots and the stem grow? Roots grow in the downward direction. The stem grows in the upward direction. Okay? How big did the plant grow in the cotton wool? No. Only soaked seeds gave rise to new plants. Did small plants come out from all the seeds? Yes, small plants did come out from all the seeds. What is the color of the roots? The color of the roots is of white. Did you see any hair on the roots? Yes, I noticed the hair on the roots after 8 days. Okay? Try and pull out one little plant from the cotton wool. Were you able to pull it out? Why? Yes. I was able to pull out but with much effort as the roots made grip with the cotton. Did you see how the roots grip the cotton wool? Do you think that the roots hold the soil in the same way? Also, look at the plants grown by your friends. Yes, I did see how the roots grip the cotton wool. Yes, I think roots hold the soil in the same manner. Also, the roots of the plants ground by my friends also made grip with the cotton wool. Abdul saw a plant growing out of a wall in a school. He wondered how deep must the roots of this plant be going. The plant's roots reach the soil. How do the roots get water? Roots get water from soil. How big? विल दिस प्लांट ग्रो दिज प्लांट्स डोंट ग्रो वेरी मच ठीक है वॉट विल हैपन टू द वॉल द क्रैक ऑन द विल बी इंक्रीज कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर द नेम ऑफ दिस प्लांट इज़ द पीपल प्लान्ट ठीक है इस पिक्चर में जो दिया हुआ है वह कौन सा प्लांट है पीपल प्लान्टे ठीक है उसके बाद है के Have you ever seen a plant growing from a crack in a wall? Where was it? So, yes, I have seen a plant that grew over the wall of my grandmother's house. Tikis kibaad hai? Abdul saw a hug tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. He could see some of its broken roots. Abdul thought, would someone have? uprooted such a big tree or would it have fallen on its own strong winds on uh, strong winds or natural disaster could have uprooted that tree how old would this tree be this tree would be no less than 50 years old take okay? abdul on seeing our tree surrounded by um cemented cemented ground uh, through that how will it get rain water this tree gets water through its roots which go deep into the soil ठीक है उसके बाद है वर्कशीट 65 ड्रॉ टू रूट्स ईटन एज वेजिटेबल एंड नेम देम टू रूट्स प्लांट बताना है आपको जिसे कि हम लोग वेजिटेबल के रूट रूप में खाते हैं ठीक है उसका आप यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे जैसे कि आप कैरोट का बना सकते हैं ठीक है आप रेडिस का बना सकते हैं ठीक है बीटरूट विच आर द ओल्डेस्ट ट्रीज इन योर एरिया फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हर द ट्रीज आर तो देयर इज़ अ हनियन ट्री एट द बैंक ऑफ अ पॉन्ड इन माई Native village. People say it's more than 150 years old. Have you seen any tree which has roots growing from its branches? Yes, the big banyan tree near my home and the one in my village have several long roots like structures growing from its uh, branches. Have you ever seen any big tree that had fallen down? What did you? think when you saw it. Yes, I have seen a big tree that had fallen down on the bank of the river because of the flood. I was just amazed to see the hug thick and long roots of that tree. After made a list of the following leaves, mana and puppy nail fishrupalis list head. आई हेयर वॉटरमेलन मॉस्कोटो ग्रो वॉट यू थिंक विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाई आरिफ एंड रुपाली ग्रो ऑल द थिंग्स लिस्टेड बाई आरिफ एंड रुपाली विल ग्रो वाई डोंट यू मेक योर आउन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो तो कैट्स डॉग्स रेड्स प्लांट्स डिजर्ट्स हेयर नेल ठीक है think about yourself in what ways have you changed over a period of time have you grown in any way for example has your height increased how much taller have you grown in the last one year to so yes my height has increased by 10 cm in the last one year i imagine that you had never cut your nails draw a picture of your fingers इन द नोटबुक ट्रू Notebook बुक टू notebook how हाउ दे वुड हैव लुक्ड ठीक है आप जो है ना कल्पना कीजिए आई सोचिए कि अगर आपने अपना नेल नहीं कट किया है ठीक है तो आ, कैसे लगेंगे आपके नेल तो आप सोचिए और एक पिक्चर आपको ड्रॉ करना है ठीक है तो ये आप खुद बनाएंगे उसके बाद है what अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी कीप्स ग्रोइंग ठीक है तो कौन सा है आपका बॉडी का पार्ट्स जो कि ग्रो होता है तो आवर हेयर कीप्स ग्रोइंग हेयर भी बढ़ता रहता है ठीक है तो आपका वर्क बुक कम्प्लीट हो चुका है कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर Thanks to watch my video.